नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुलवालिया। बात पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मुनादी से पहले ही बड़े सियासी उठापटक देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को स्पष्ट संकेत दिया था कि उनके पिता सिसिर अधिकारी और भाई दिवेंदु अधिकारी जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि 19 दिसंबर को भाजपा में आने से पहले शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे। मंगलवार को अधिकारी ने उत्तर 24 परगना के शारदाह में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया और इस दौरान तृणमूल सांसद अभिषेक बैनर्जी की एक टिप्पणी का जवाब दिया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जब वो अपने घर में कमल नहीं खिला सकते तो वो भाजपा के लिए पूरे राज्य को जीतने का दावा कैसे कर सकते हैं। इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी बहुत समय है, अभी रामनवमी नहीं मनाई गई है और मेरे परिवार में कमल खिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ये देखूंगा कि 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट पे आपके परिवार में कमल खिलेगा। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलकर ये दावा करती है कि उन्हें राज्य प्रशासन ने शुरू किया है। अधिकारी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के इस मुफस्सिल शहर में रोड शो का नेतृत्व करने के बाद एक विशाल रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल अपना नेतृत्व सिर्फ कोलकाता तक केंद्रित रखती है और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि तृणमूल के 21 लोकसभा सांसदों में से 10 और अधिकतर मंत्री कोलकाता से हैं। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ABNN।